गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाँ, तो आज हम बात करते हैं क्लास सेवन का सिविक्स लेसन सेवन, मार्केट्स अराउंड अस। और लेसन का ये सेकेंड वीडियो है। टॉपिक्स है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल एंड चेन ऑफ मार्केट्स। चूँकि इससे पहले हम लोग इस लेसन पे दो एक वीडियो और कर चुके हैं मार्केट अराउंड अस पे। वो टॉपिक था वीकली मार्केट एंड डेली मार्केट और शॉप्स इन नेबरहुड्स। हमें देखा था इसको वीकली मार्केट डेली मार्केट में क्या डिफरेंस है और क्या इसमें बेनिफिट क्या है, दोनों में क्या मेनी डिफरेंस है, इसको हमने देखा था। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ये मार्केट डेली मार्केट वीकली मार्केट थोड़ा सा हट करके हम एक ऐसे मार्केट की बात करेंगे इस टॉपिक में जहाँ आपको विद इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के नीचे सब कुछ ईच एंड एवरी थिंग्स आपको चीज़ अवेलेबल हो जाता है एक प्लेस पर। आइए देखते हैं इसमें क्या फैसिलिटीज है होता है। वो आप अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप सिविक्स का 86 पेज नंबर ओपन कर लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो फॉर वी हैव टू काइंड्स ऑफ मार्केट्स, वीकली मार्केट्स एंड मार्केट्स इन आवर नेबरहुड्स। यानी कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में दो तरह की मार्केटों को मार्केट के बारे में जाना था, एक वीकली मार्केट्स और एक मार्केट जो हमारे पड़ोसी में जो पड़ोस में होता है। देयर आर अदर मार्केट्स इन अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कम्प्लेक्स। यानी कि तीसरे टाइप का मार्केट जो होता है अर्बन एरिया में होता हो, शहरी क्षेत्रों में होता है, जो दोनों से डिफरेंस होता है, इसे हम मेनली कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल कहते हैं। दिस डेज इन मैनी अर्बन एरियाज यू ऑल्सो हैव अ लार्ज मल्टी स्टोरीज एयर कंडीशन बिल्डिंग्स दैट शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज मॉल्स। और आज के अत्याधुनिक युग में एक ऐसे भी हम लोग मैंने मार्केट का रूप देखा है जो एक ही बिल्डिंग में कई स्टोरीज मतलब मकान्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें अलग अलग जो है शॉप्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग डिफरेंट आइटम्स का अलग अलग फ्लोर पे। तो इसे क्या बोलते हैं, मॉल बोलते हैं। आप लोग भी अपने नियर अबाउट एरिया में मॉल गाजीपुर वगैरह में या फिर बड़े बड़े टाउन में अपने मॉल के बारे में सुना या देखा होगा। इन दीज अर्बन मार्केट यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। और ऐसे एरियाओं में अर्बन जो अर्बन मार्केट्स होता है वहाँ पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड भी जो मटेरियल्स है अवेलेबल होता है। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है ब्रांडेड चीज़ों को, नॉन ब्रांडेड चीज़ को, कि ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। जो ब्रांडेड चीज़ें होते हैं ज़्यादा काफ़ी खर्चीला महंगे होते हैं, ऑफन प्रमोटेड बाई एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। जबकि एडवर्टीजमेंट में क्लेम की जाती है, दावे किए जाते हैं कि इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत बेस्ट और बेटर होती है। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम एज अ कंपेयर्ड ऑफ नॉन ब्रांडेड गुड्स फेवर पीपुल कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वंस। और जो लोग जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छा होती है ब्रांडेड जो है प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं शॉपिंग मॉल से, और उसके कंपेरिजन में जो नॉन ब्रांडेड गुड्स होते हैं जो कि पुअर पर्सन्स होते हैं जिसको ब्रांडेड चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसको वो परचेज करते हैं यहाँ पर। तो शॉपिंग मॉल्स में दोनों चीज़ होते हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड भी, जिसको जो अफोर्ड करे उसको लोग परचेज कर लेते हैं। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो चेन ऑफ मार्केट्स, यानी कि बाजारों की श्रृंखला। किस तरह से कह सकते हैं कि एक मार्केट दूसरे मार्केट से इंटरलिंक्ड होता है, और एक मार्केट में एक प्रकार की कई चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, या एक ही प्रोडक्ट है अलग अलग मार्केट में सेम रेट पे होता है। इसका मतलब होता है कि जो मार्केट्स आपस में जो इंटरलिंक्ड होते हैं, चाहे वो विद इन कंट्री हो या फिर विद इन अदर कंट्री भी होता है, जो मार्केट होते हैं क्या होते हैं दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आप हायर क्लास जाएंगे 9-10 में तो इसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी मिलेगी मार्केट के बारे में। तो हम यहाँ बात करते हैं चेन ऑफ मार्केट, यानी कि बाजारों की श्रृंखला कैसे होती है। इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाई गुड्स। यानी कि हम लोग ने पिछले टॉपिक्स में देखा था अलग अलग टाइप के मार्केट का जहाँ से हम इजिली अपने रिक्वायरमेंट चीज़ों को परचेज करते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्यूर्स देयर गुड्स। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री ऑन फार्म्स एंड इन द होम्स।
क्या आप समझते हैं कि जो जो हम लोग शॉप से तो माल को परचेज करते हैं, ये कहाँ तैयार होते हैं, कैसे आते हैं, हम कैसे उसको परचेज करते हैं? इसमें काफ़ी एक लंबी चौड़ी जो है श्रृंखला है, चेन है। इसमें अलग अलग कई जगह सामान बनते हैं, जैसे फैक्ट्री में, कंपनी में, फार्म्स में, या फिर घरेलू उत्पादों भी को है, कुछ प्रोडक्ट जो है तैयार होते हैं जिसको हम मार्केट से परचेज करते हैं। हाउएवर वी डोंट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। हालांकि हम अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हम डायरेक्ट कंपनी या फार्म में नहीं जाते हैं। नॉर वुड द प्रोड्यूसर्स इज इंटरेस्टेड टू सेलिंग अ स्मॉल क्वांटिटी सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक मग। जैसे मान लो आप चल जाओगे, हम लोग रिक्वायरमेंट होती है 1 kg शुगर लाओ, 1 kg ये सामान लाओ, 1 kg ऑयल लाओ, तो ऐसा नहीं कि आप हम चल जाएंगे फैक्ट्री में, कंपनी में, तो वहाँ से कंपनी का ऑनर जो है हमको 1 kg देने को तैयार होगा, ऐसा नहीं होता है। वो लोग होलसेल को सेल करते हैं, होलसेल जो है रिटेलर को सेल करते हैं, और रिटेलर क्या करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं। इसमें कई श्रृंखला होती है। जब माल परचेज प्रोडक्ट होती है तो कंपनी के जो ऑनर होते हैं तो वो आपको होलसेल रेट से देते हैं बड़े ट्रेडर्स को। ये ट्रेडर्स जो होते हैं आपको रिटेलर ट्रेडर को देते हैं, और जो ये होते हैं रिटेलर वो आपको छोटे छोटे गांव में शॉपिंग कम्प्लेक्स या मॉल में देते हैं, और ये जो है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1 piece 2 piece अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ से लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक जो है श्रृंखला बनी हुई है। तो द पीपुल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द फाइनल कंज्यूमर्स आर इन द ट्रेडर्स। यानी कि जो लोग होते हैं जो कि प्रोड्यूसर से लेकर के जहाँ कंपनी से सामान बनती है वहाँ से लेकर के एक कंज्यूमर तक बेचने का काम करते हैं, यानी जो मिडिल मैन होते हैं कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स या व्यापारी। कौन व्यापारी कौन होता है, कि वो मिडिल मैन हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल द फाइनल कस्टमर्स इज नोन एज द ट्रेडर्स। यानी कि बीच का व्यक्ति जो कंपनी से माल प्रोड्यूस होने के बाद परचेज करता है और उसे और ग्रामीण इलाकों में या फिर फाइनल प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर होते हैं, जो सामान वो कंज्यूम करते हैं वहाँ तक लाकर सेल करता है, इसे ही क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स या व्यापारी बोलते हैं। द होल सेल ट्रेडर्स फर्स्ट बाई गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी, और जो होल सेल व्यापारी होते हैं वो अधिक संख्या में लार्ज क्वांटिटी में कंपनी से माल को प्रोडक्ट परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होल सेल ट्रेडर्स विल नॉट बाई अ फ्यू किलो ऑफ वेजिटेबल्स बट will buy in large lots of 25 to 100 kilos. These will then be sold to the other traders in these markets. Buying and selling take place between traders. It is through these kinds of trades that goods reach faraway place. यानी कि हम देखते हैं मार्केट में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ जो हैं होलसेल के लोग होते हैं जो कंपनी से या फॉर्म से डायरेक्ट जो है बल्क में यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में परचेज करते हैं, जाते हैं मार्केट में। तो मार्केट में भी खुदरा व्यापारी होते हैं जो उनसे 100 kg, 200 kg, या 50 kg जो है लेते हैं, और फिर जाते हैं लोकल मार्केट में, वहाँ जो है लोगों को 1 kg, 1/2 kg ऐसे करके लोग सेल करते रहते हैं। उसी प्रकार बात बनती है कंपनी की, जो कंपनी में प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसे बड़े ट्रेडर्स होते हैं उसको परचेज करते हैं काफ़ी हैवी अमाउंट में, और ये जो है इनसे छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो आपको उनसे परचेज करते हैं, और ये फिर छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं शॉपिंग में देते हैं, शॉप में देते हैं, और ये शॉप कीपर जो होते हैं क्या करते हैं, 1 piece 2 piece 3 piece ऐसे करके आपको खुदरा रेट में वो सेल करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस तरह से जब जो सामान है, जो वस्तुएँ हैं, वो किस तरह से कंज्यूमर के पास पहुँचती है और कंज्यूमर के पास पहुँचने तक कितने लोगों के हाथ में आती है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, द ट्रेडर्स हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर। यानी कि जो व्यापारी एवं जो कस्टमर को सेल करते हैं 1 piece 2 piece में, उसे क्या कहते हैं, रिटेलर, या उसे खुदरा व्यापारी कहते हैं, खुदरा दुकानदार भी कहते हैं। दिस कुड बी द ट्रेडर्स इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड, और द शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसे में जो मार्केट में, जो डेली मार्केट में बेचते हैं, या फिर जिनका नेबरहुड में पड़ोसी में दुकान होता है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो सेल करते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, रिटेलर। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। समझने का हम यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एवरी सिटी हैज एरिया फॉर होल सेल मार्केट, दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच आर एंड देयर आर सप्लाई टू द अदर ट्रेडर्स। The roadside hawkers whom to read
अबाउट अर्लियर वुड हैव टू परचेज अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द होल सेल ट्रेडर्स इन द टाउन्स। यानी कि आप देखते हैं कि समझाने के प्रयास में बताया हूँ कि होल सेल मार्केट जो होता है वो क्या करते हैं, वहाँ होल सेल मार्केट में जो है होल रेट से यानी काफ़ी अमाउंट में सामान को बेचते हैं लोग, किसको, जो रिटेलर होते हैं या खुदरा व्यापारी होते हैं उनको। और ये लोग क्या करते हैं, वहाँ सामान को परचेज करके दुकानों तक सप्लाई करते हैं, और ये दुकानदार जो होते हैं क्या करते हैं, कस्टमर को वो परचेज कर सेल करते हैं स्मॉल अमाउंट में। ही इन टर्न माइट हैव ब्रॉट दीज फ्रॉम द अनदर इवन बिगर होल सेल ट्रेड इन द सिटी होल सेल ट्रेडर्स वुड हैव टू ब्रॉट अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द फैक्ट्री एंड स्टोर्ड देम इन द गोडाउन। इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप। इस पर देख सकते हैं कि एक से एक जो है क्या जुड़ा हुआ है, यानी कि कंपनी, फिर होल सेल, फिर आपको रिटेलर्स या स्मॉल ट्रेडर्स, फिर ट्रेडर, फिर आपको रिटेलर्स, इसके बाद जो है कंज्यूमर, यानी कि श्रृंखला एक तरह से श्रेणी बड़ा चेन बनी हुई है। इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप वेन अ परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रिचर्स। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पहुँचने से पहले कई हाथों तक, कई लोगों तक वो माल जो गुड्स हैं वो होकर गुजरता है, तो इस तरह के चेन बनता है। इसे क्या बोलते हैं, चेन ऑफ द मार्केट या मार्केट्स, चेन ऑफ मार्केट्स। ओके, हिल अप कलेक्शन का ये सेकेंड वीडियो था। इससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।